हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेयर रेवड़ा जी में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ें लेके आया हूँ आप सबके साथ शेयर करने के लिए। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप नए हो इस चैनल में तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल बटन भी दबा दीजिए, तो नेक्स्ट जो भी मेरा वीडियो रहेगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, मैं लगभग एक महीने पहले ये मिनी एक्वास्केप टैंक स्टार्ट किया था। ये जो टैंक है ये एक्स्ट्रा क्लियर ग्लास से बना है, इम्पोर्टेड है। इसका प्राइस था लगभग 3,500 के आसपास, मेरे को प्रॉपर याद नहीं है अभी एग्जैक्ट अमाउंट। ग्लूलेस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। कहीं से भी आपको ग्लू नहीं दिखेगा, तो काफी बेहतर लुक्स रहता है इसमें। मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको ऐसा कुछ सेटअप बनाना है तो डेफिनेटली गो फॉर इट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ सॉइल से। ये जो मैं सॉइल यूज़ किया है यहाँ पे, वो मैं प्लेटिनम वाला यूज़ किया था 9 लीटर का, थोड़ा सस्ते में रहता है बाकी मिट्टी से और स्टैंडर्ड बोल सकते हो आप इसको। मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो अब इसका आउटपुट भी यहाँ पे देख सकते हो। जैसे कि मैं एक महीने पहले सारे के सारे प्लांट्स लगाया था यहाँ पे, और वैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कितना ग्रो हो चुका है एक महीने में। काफ़ी अच्छा ग्रो किया है एक महीने के अंदर। तो 9 लीटर का मैं प्लैटिनम सॉइल यूज़ किया था यहाँ पे। ये थोड़ा छोटा है मेरा टैंक, इसका साइज है 20 इंच की, कोई बड़ा नहीं है। और ये जो मिट्टी के ऊपर मैं जो लगाया, जो कारपेट प्लांट्स है, वो है मोंटे कार्लो। ठीक है, तो पूरा लश ग्रीन दिख रहा है सारे के सारे प्लांट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे। जो भी मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है मैं आपको बस शेयर कर रहा हूँ मेरे हिसाब से। इसके लिए आपको
अगर प्लांटेड टैंक की आपको कोई प्लान है तो सबसे ज़रूरी जो जो चीज़ें हैं वो है लाइट। एक अच्छा वाला लाइट चाहिए जिसमें काफ़ी इंटेंसिटी हो, और उसके साथ CO2 आप देख सकते हो यहाँ पे, ये है CO2। ये ग्लव्स का डिफ्यूज़र मैं लगाया यहाँ पे, और याद रखना है जब आप प्लांटेड टैंक बनाओगे तो आपको कम से कम 8 से 10 घंटा लाइट्स ऑन होना चाहिए, तभी जाके ये आपका जो प्लांट्स है वो प्रॉपर ग्रोथ आएगा उसमें, और उसका जो कलर है प्रॉपर कलर आएगा, सेचुरेट होएगा तब। और अच्छा फर्टिलाइज़र भी चाहिए, वो सबसे ज़रूरी है। उसके साथ ध्यान में रखना, जब आप CO2 प्रोवाइड करोगे टैंक में उसी टाइम आपको लाइट ऑन करना है, बिना लाइट्स में CO2 आप नहीं दे सकते हो तो वो काम नहीं होता है, राइट। लाइट जलेगा CO2 चलेगा, राइट, ये ध्यान में रखना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करता हूँ। एक्वा वाइटल, ओके, ये मैं यूज़ करता हूँ, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आता है इसमें। अगर आपको भी प्लान है प्लांटेड टैंक की तो अभी ये यूज़ करके देख सकते हो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आएगा। और जब भी आप ये प्लांट्स को ग्रो करते रहोगे टैंक में तब आपको इसका भी ज़रूरत पड़ेगा, यह अलगे रिमूवर। इसका भी रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है, लाजवाब है, मेरे को तो भाई बहुत अच्छा लगा इसको यूज़ करके। जितने सारे आपका अलगे है ग्रीन अलगे इजीली ये रिमूव हो जाते, पानी के साथ मिल जाते तो आप इंस्टेंटली पानी को लेके चेंज कर सकते हो। खाली पानी चेंज करने के टाइम ही आपको ये यूज़ करना है, ऐसा नहीं कि हर रोज़ यूज़ करना है, वीक में एक या दो बार जब भी आप पानी चेंज करोगे, क्योंकि अगर आपको प्लांटेड टैंक की शौक है या बनाने का प्लान है तो ये ध्यान में रखना है, 1 से 2 दिन के अंदर आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके चेंज करना पड़ता है, लाइक 30 to 40% वाटर चेंज करना पड़ता है ऑल्टरनेटिव डेज पे, हर रोज़ नहीं हो पाता है वो मुझे पता है, तो कोशिश करें कि ऑल्टरनेटिव डेज। देखिए मेरा प्लांट्स कितना सेचुएटेड दिखा रहा है, पूरा हेल्दी है, एक भी लीव्स डिसैचुरेटेड नहीं हुआ है, देखिए सी। और लाइट्स तो बहुत ही ज़रूरी है भाई, वो तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, ये देख लीजिए ऊपर से मैं दिखा रहा हूँ कितना कलरफुल है,
एकदम लाजवाब, शानदार इसको बोल सकता हूँ। एक अच्छा सा फिल्टर भी होना चाहिए और वो भी एक्सटर्नल फिल्टर, ताकि फ्लो थोड़ा कम रहे और फिल्ट्रेशन भी सही रहे। आपको मैं दिखा देता हूँ इसका सिलेंडर का साइज और सेटअप। यह है मेरा सिलेंडर का साइज, 3 kg का मैं लेकर रखा था इसके लिए। यह है बबल काउंटर, ताकि आप यहाँ से देख पा रहे हो कि आप कितना बबल दे रहे हो, उसका कितना स्पीड है। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए या इस टैंक के रिलेटेड कोई भी डाउट हो या क्वेश्चंस, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं डेफिनेटली कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई देने के लिए जो भी मैं एक्सपीरियंस किया है। और ये जैसे जैसे ग्रोथ होता जाएगा ये प्लांट्स, उसके हिसाब से मैं और भी वीडियो बनाता रहूँगा और आप लोगों को शेयर करता रहूँगी यहाँ पे। ये देखिए मेरा प्लांट्स अभी पर्लिंग भी होना स्टार्ट कर गया प्रॉपर लाइट्स और सीओटी की कारण। देखिए ऐसे छोटे छोटे पर्लिंग हो रहा है फोटोसिंथेसिस, तो ये होना बहुत ज़रूरी है सभी प्लांटेड टैंक्स के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मेरे मिनी एक्वास्केप टैंक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना आप लोग प्लीज़। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। Thank you.